तो कैसे हैं आप लोग? प्रॉब्लम एक औरत है जो कि पहले एक लड़की थी, उसके बाद एक औरत बनी। आए, लड़की औरत ही तो बनेगी, गंडवी थोड़ी हो जाएगी। ये कौन गुलजार का चौथा स्क्रीन पे लिख रहा है? सोचो तुम रात को टीवी देख रहे हो और एक नंबर वॉल्यूम ऊपर कर देते हो, लेकिन फिर तुम्हारा बाप आ जाता है। आवाज बंद, आवाज बंद कर। खैर आज हम एक ऐसा शो देखने वाले हैं जिसके होस्ट ने अपना 40 साल का नाबालिग जीवन गाड़ी में गुजारा है, हिंदुस्तानी भाव। और भाव ये शो नहीं चला रहे, दुनिया को चुतिया बना रहे, क्योंकि लोगों की दिक्कत है, सुन लो। मैंने अपनी बेटी को अपने पति के साथ सेक्स करते देखा। तो इसमें भाव क्या करेंगे, बाप बेटी के बीच में लेट जाएं या बाप को बोल दें लौड़े यहाँ से निकल? तो आओ यार देखते हैं भाव का नाजायज इंसाफ और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। एक तो आज मेरे पहली सर में दर्द हो रहा, मैं तो गोली खा रहा हूँ। नायक की दवाई से प्रेग्नेंट हुई थी। अरे बहनचोद, अरे हमें क्यों डरा रही हो? पति चूतिया है क्या, उस पे भरोसा नहीं है? वो तो बहुत ही गुस्सा हो रहा है। मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मुझे मेरा बच्चा, और मुझे 100 मिलियन सब्सक्राइबर चाहिए। भाऊ थोड़ी दिलवा देंगे? आपने मेरा बच्चा नहीं दिलवाया ना, तो मैं ये जहर खा लूंगी। ओए ए छोड़, अबे नौटंकी देख लो, इसके 50 रुपए ओवर एक्टिंग के तब काटते जब उतने मिले होते, इससे ज्यादा महंगे तो कोठे वाली के रेट होगा। नायक ही वो आदमी है जिसकी वजह से हमारे घर में बच्चे की किलकारी गूंज सकती है। तो तू बैठ के हिला रहा है क्या? और नायक को तो कहते प्लेयर बना दिया, कौन है नायक? अबे खुदा दा लग रहा है बच्चा पूरा कहां से कर देगा, और बीमार और लग रहा है, बच्चा होना हो एड्स जरूर दे देगा। और इसकी दाढ़ी देख लो, 4 किलोमीटर दूर से भी नकली लग रही है। खैर छोड़ो, भाऊ को इससे बात करने देते हैं। भाऊ खैर कह भी मैं किससे रहा हूँ, आजकल बात कौन करता है, कूटने में ज्यादा मजा आ रहा है। और तुम लोग को और एक जादू देखने गए? अरे खुलासा, ये तो हमें पता ही नहीं था। सेट पे जो चाय बेचता उसे दाढ़ी लगा के बिठा दिया, क्यों? ताकि भाऊ अपना हाथ गर्म कर सके। हम लोग गिने चुने लोगों को ना जो सच में जेनुइन है उनको यहाँ पे बुलाते हैं। भाव को पता ही नहीं है शो स्क्रिप्टेड है, शो वाले मजे ले रहे हैं। भाव भावनाओं में इतना बह जाते हैं, एक्टर्स की लाइन ही खा जाते हैं। आप मुझे चुप रहे, देख हंस रही है, हंस रही है, बोलनी तो दो। अब क्या बोलेगी, कैरेक्टर तो टूट गया, पूरा शो स्क्रिप्टेड है, बस भाव स्क्रिप्टेड नहीं है। एक लव लेटर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मैं चाहता हूँ कि आप इस लेटर को पढ़े। अरे भाव से लेटर क्यों पढ़वा रहे हो, भाव ने इंग्लिश का पेपर भी हिंदी में दिया था। इट्स ओके, या नीचे हिंदी में लिख देता हूँ ताकि भाव को भी समझ आए। मेरे पापा ने ये लेटर मेरी गर्लफ्रेंड के लिए लिखा है सर। तो तू डाकिया बनके क्यों घूम रहा है, भाव गांड फाड़ देते तेरे से चिट्ठी नहीं फाड़ी गई। आओ इस चुज्जे की गर्लफ्रेंड से मिल लेते हैं। मैं भी चाहती हूँ कि बॉलीवुड में मेरा भी आपकी तरह नाम हो। भाव का अपने गांव में नाम नहीं है, बॉलीवुड में कब से आ गया?